तो फुटबॉल एक वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट है प्रोबेबली फुटबॉल को तुम कह सकते हो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉलोड स्पोर्ट सीरियसली एंड इंडिया में अभी अगर तुम देखोगे तो फुटबॉल की फॉलोइंग बह, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ठीक है मुझे बहुत ही ज़्यादा डीएम्स आते हैं कि भैया मैं अभी रिसेंटली फुटबॉल देखना स्टार्ट किया हूँ मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है मुझे लीग के फॉर्मैट के बारे में समझ में नहीं आता किस टीम को फॉलो करूँ मैं कौन सी लीग सपोर्ट करूँ मैं कौन सी टीम को सपोर्ट करूँ मैं तो फिर मैंने सोचा जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि फ़ुटबॉल वन करके सीरीज़ आएगी जिसमें कि मैं फुटबॉल लीग्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन इस so आज का वो वीडियो है जिसमें कि हम सारी लीग्स के बारे में बात करने वाले जितनी लीग्स इंपॉर्टेंट हैं जितनी मुझे लगता है कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड वहां से आप अपनी फेवरेट टीम चूज कर सकते हो फेवरेट लीग चूज कर सकते हो एंड आप फुटबॉल देखना स्टार्ट कर सकते हो एंड आपको जब समझ में आने लगेगा तो फुटबॉल की फॉलोइंग बढ़ेगी एंड साथ ही साथ आप इंडियन फुटबॉल को भी फॉलो करोगे आई को भी देखना स्टार्ट करोगे एंड वहां से आप फुटबॉल के शौकीन बन जाओगे जैसे कि हम लोग हैं सो क्या इस वीडियो में बिगिन करते हैं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ दैट इज वन फुटबॉल एप्लीकेशन दैट्स अ ग्रेट फुटबॉलिंग ऐप आपको उसमें अपनी सारी टीम्स सारी लीग की इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है एंड दैट इज अ मस्ट ऐप टू हैव ऑन योर फोन इफ यू आर अव बी इफ यू वॉन्ट टू फॉलो फुटबॉल प्लीज डाउनलोड दैट एप्लीकेशन यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट डिटेल्स अबाउट अब ट्रांसफर्स द मेजर टूर्नामेंट्स एट आर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड इट्स वेरी इजी टू डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है क्लिक करो एंड डाउनलोड कर लो वन फुटबॉल एप्लीकेशन होना चाहिए सबके फोन में ठीक है आगे बढ़ते हैं लेट्स टेक अ लुक एट द लीग्स इन इन द वर्ल्ड फुटबॉल तो यार देखो जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं ना वो मेजरली टॉप फाइव लीग्स में खेलते हैं ठीक है हाँ एंड हम इस पूरे uh, वीडियो में उन्हीं मेजर टॉप फाइव लीग्स के बारे में बात करेंगे तो so, सबसे पहली लीग आती है दैट इज जर्मन लीग दैट इज नोन एज बुंदिसगा उसके बाद से स्पेन की लीग आती है दैट इज ला लीगा ठीक है या स्पेनिश लीग कहते हैं उसके बाद से थर्ड लीग है दैट इज इटली की ठीक है वो के, उसको कहते हैं सीरिया ए एंड नाउ द फोर्थ लीग इज फ्रांस की लीग उसको कहते हैं लीग उन एंड देन फिफ्थ लीग जो है जो इंग्लैंड की लीग है दैट इज द इंग्लिश प्रीमियर लीग या सिर्फ उसको प्रीमियर लीग कहते हैं पहले उसको बार्किलेस प्रीमियर लीग इज इज बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड बाय सेड बाय मेनी पीपल तो ये टॉप फाइव हैं इनके अलावा भी बहुत सारी लीग्स हैं जैसे कि एमएलएस है कोपा लिबरता है ब्राजीलियन अर्जेंटीनियन लीग है कतार की लीग है उसके बाद से इंडियन की आई है ठीक है वो भी फिर नीदरलैंड की इरिडवीस है तो ये सारी लीग्स भी हैं इनमें भी काफ़ी टॉप प्लेयर्स खेलते हैं बट मेजरली जो फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर्स हैं वो इन यूरोप की पांच टीम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है तो अब किस लीग को देखें कौन सी लीग में आपको क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपेक्टेड मिलेगा अगर आप प्रीमियर लीग देखो क्या एक्सपेक्टेड मिलेगा या अगर आप लालीगा देखो तो यार इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं एंड एक एक लीग करके सारे ट्रॉफी सारे टूर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड की लीग के बारे में ठीक है दैट इज नोन एज द प्रीमियर लीग आपने नाम सुना होगा टीम्स का जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपुर ठीक है और फिर उसके बाद से लेस्टर सिटी आ, आर्सनल तो ये वो टीम्स हैं जो कि प्रीमियर लीग में खेलती हैं ठीक है एंड आपने सुना होगा बहुत ही बड़े बड़े फुटबॉलर्स का नाम जैसे कि रूनी डीडियर ड्रॉकबर जेराड फ्रैंक लैम्पार्ड वैंडर वार्ड इस तरह के लेजेंड्स हैं जो कि ये प्रीमियर लीग में खेले हुए हैं तो ये लीग ऐसी है जिसमें कि ट्वेंटी टीम्स कॉम्पीट करती हैं पूरे सीजन इनका इनका मैचेस चलता है ऑगस्ट से सारी लीग स्टार्ट हो जाती है एंड ये कंटिन्यू करती हैं मे तक एंड ये ट्वेंटी टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट होम एंड अवे पे खेलते हैं अब होम क्या है अब अगर मेरे ग्राउंड पे मैच हो रहा है तो दैट इज माय होम एंड अगर मैं दूसरे के ग्राउंड पे मैच खेलने आ रहा हूं दैट इज अवे फॉर मी या तो वो उनका होम है ठीक है तो जीतने वाली टीम को मिलते हैं तीन पॉइंट्स अगर आपका मैच ड्रॉ हुआ तो आपको मिलते हैं वन पॉइंट अगर आपने मैच हारा तो आपको मिलते हैं जीरो पॉइंट ठीक है एक चीज और होती है गोल डिफरेंस दैट इज नोन एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड एंड द नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड मतलब मैंने अगर पचास गोल मारे और मैं अगर चालीस खाता हूं तो मेरा गोल डिफरेंस होगा प्लस फोर्टी ठीक है और यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो इंग्लैंड की लीग है इसमें रेलीगेशन एंड प्रमोशन होता है तो मतलब कि जो 20 टीम्स इंग्लैंड में खेलेंगी ये इंग्लैंड के लिए ही नहीं ये सारी लीग्स के लिए होता है रेलीगेशन एंड प्रमोशन हर लीग के लिए कॉमन है ठीक है थोड़े थोड़े चेंजेस हैं बस तो जो ट्वेंटी टीम्स खेल रही हैं उनमें क्या होता है कि टॉप फोर टीम्स क्वालिफाई कर जाती हैं यूएफएफ चैंपियंस लीग के लिए जिसके बारे में आगे बात करेंगे और जो बॉटम की तीन टीम होती हैं वो सेकेंड टायर लीग में चली जाती हैं जो कि ई एफ चैंपियनशिप है यहां पर इंग्लैंड में तो चैंपियनशिप की तीन टीम क्वालिफाई करती हैं प्रीमियर लीग के लिए टॉप टू टीम्स जो होती हैं ई चैंपियनशिप में वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती हैं और जो बॉटम की जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टीम होती हैं इन लोगों में प्ले होता है जो टीम फाइनल जीती है वो टीम एक टीम बची वो प्रमोट हो जाती है प्रीमियर लीग में एंड भाई साहब चैंपियनशिप का क्वालिफायर जो है ना जो प्ले होता है वन ऑफ दी बेस्ट मैचेस होते हैं वो सीरियसली वेम्बले पे खेला जाता है उसके अलावा अगर बात किया जाए और कौन सी ट्रॉफीज होती हैं जो इंग्लैंड में होती है तो हम देखेंगे एंड इनके मतलब जो भी ट्रॉफीज जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं ये मोस्टली लीग्स में कॉमन है ठीक है तो एक लीग टाइटल होती है हर लीग की एक लीग टाइटल होती है उनका एक लीग कप होता है उनका एक लीग सुपर कप होता है एक टॉप स्कोर ट्रॉफी देते हैं उनको एक बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफी देते हैं एक यंग प्लेयर की भी ट्रॉफी मिलती है एंड एक बेस्ट मैनेजर ऑफ द सीजन की भी ट्रॉफी मिलती है तो जो इंग्लैंड की सबसे बेस्ट लीग है दैट इज अ लीग। उसके बाद से जो से कपल्डेस्ट टूर्नामेंट इन वर्ल्ड फुटबॉल इंग्लैंड की जो एफ ए कप जीतता है उसको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाता है लीग में खेलने के लिए ठीक है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे या तो इस वीडियो में या तो अगले वीडियो में आएगा ठीक है उसके बाद एक ट्रॉफी होती है इसमें जो एफ ए कप

अभी न्यू 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 फुटबॉलर फुटबॉल फैन बने आपको बहुत ही ब्रेथ टेकिंग फुटबॉल देखना आपको गोल्स देखने आपको, आपको मजे करना है तो प्रीमियर लीग आपके लिए टीम है अनप्रडिक्टेबल है, है, है बहुत ही मजा आता है देखने में थोड़ा सा फिजिकल गेम होता है थोड़ा सा टेक्निक लेवल पे थोड़ा सा लीग कम है बाकी, बाकी लीगों से बट यहां पे मजा बेस्ट तुम लीड्स यूनाइटेड जैसी टीम को देखोगे छोटी टीम है बट वो भाई बहुत ही बड़े बड़े कारनामे

टीम्स कंपीट करती हैं टेबल के लिए सीजन मतलब पूरा सीजन इनका मैचेस चलते हैं ठीक है ये भी अगस्त से स्टार्ट हुआ था है इनकी भी अभी ब्रॉडकास्ट अभी ये हो नहीं रहते ये फेसबुक पे आ रहे थे लास्ट सीजन बट अब से ये एमटीवीस पे आने वाले हैं सो गाइस एमटीवी ट्यून इन कर लेना रोडिज के बाद आपको सबसे पहले यही देखना है ठीक है यहां पे बहुत बड़ी बड़ी टीम खेलती है जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा तो प्लेयर भी इस लीग में खेल चुके हैं ठीक है उसके बाद से सेम फॉर्मेट ऑफ प्रमोशन एंड रेलिगेशन इस भी लीग में अप्लाई होता है बॉटम की तीन जो टीम होंगी जो लालीगा की होंगी वो रेलिगेट होती है सिगुंडर डिवीजन में लालीगा स्मार्ट बैंक ठीक है और जो लालीगा स्मार्ट

टीम खेलती हैं तो इसमें भी बहुत बहुत छोटी छोटी टीमें भी खेलती हैं बहुत बड़ी टीमें भी खेलती हैं एंड इसमें जो जीतेगा उसको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलता है यूरोपा लीग में खेलने का ठीक है लास्ट टाइम के विनर इसके बार्सलोना थे उसके बाद से एक होता है सुपर सुपरकप सुपर कोपा कौ, दे कहते हैं उसको ये इनका सुपर कप होता है इसमें क्या होता है पहले क्या होता था जो कोपा कोपाडेलरे के विनर होते थे और जो लालिगा के विनर होते थे वो कंपीट करते थे एक फाइनल होता था बट अब क्या होता है कि कोपा कोपाडेलरे के जो विनर्स होते हैं एंड जो रनर अप होते हैं वो खेलते हैं अगेंस्ट दी लालिगा विनर एंड दी सेकेंड प्लेयर

लीग डोमिनेंस देखोगे तो बार्सिलोना का लीग डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ कप्स इन टर्म्स ऑफ सुपर कप्स इन टर्म्स ऑफ लाली का बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहा है पिछले दस बारह सालों में आठ या नौ बार तो इन्होंने ही लीग जीती है ठीक है बट यहां पे बहुत ही बड़े बड़े फुटबॉलर्स कह रहे हैं लियोनल मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो डी मारिया ग्रीजमा सोअर्स जैसे बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पे खेले हुए हैं एंड यहां पे यंग प्लेयर्स जो भी हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट यंग प्लेयर्स हैं आंसू फाती पेड्री रोड्रिगो विनीसियस विनीसेज येस दे ऑल्सो प्ले इन दिस लीग तो यहाँ पर अगर आपको टेक्निक यहाँ पर आपको ब्यूटिफुल फुटबॉल टैक्टिक्स रैली में अगर आपको समझने हैं फुटबॉल के तो दिस इज़ वन ऑफ द लीग जहाँ पर आपको रैली में मज़ा आएगा अगर आप फैन हो मेसी के अगर आप फैन थे क्रिस्टियानो के एंड अब अगर फैन अब नए फैन हो ग्रीजमान एंड ऑल के तो आप ये लीग भी डेफिनेटली देखो ये भी टी वी पर आने वाली है एम टी वीज पे डेफिनेटली आपको मिलेगा सो so, गाइज अब बात करते हैं जोगुनी की बट उससे पहले अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहेगा कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड टॉक अबाउट बुंदिस लीग जो कि जर्मन लीग है ये लीग ऐसी है जो कि ऑफली डोमिनेटेड है यह पिछले नौ साल से ही अपनी लीग लगातार जीतते आ रहे हैं अगर इस साल भी जीत जाएंगे तो यह एक दफ यू नो एक डिकेड ऑफ ट्रॉफीज रख सकते हैं इन लोग बुंदिस लीगा की बट यहां पे अदर टीम्स भी हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी हैं जैसे कि डॉट है आरबी लाइविग है मूनचन ग्लैडबैक है बार लेवर कुशन है तो ये सारी टीम्स भी बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देती हैं बट इस लीग में क्या होता है मेजरली हमने देखा है कि एंड तक ये सारी टीम कॉम्पीट करती हैं बट किसी ना किसी तरीके से बान जीत जाती है जो कि गलत नहीं है डोमिनेशन होना गलत नहीं है बाकी टीम्स को भी स्टेप अप करना चाहिए बाकी टीम्स को भी यू you नो know, उस लेवल पर कॉम्पीट करना चाहिए बस थोड़ा सा मनी मैटर होता है जो कि टॉप टीम्स के पास होता है उसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा हैंड रख पाते हैं ट्रॉफी

टू आरबी लाइव नॉट गो टू बुरूसी गेम टाइम मिलेगा तो यह लीग मुझे है, because पे youngsters को चांस मिलता है अपना टैलेंट दिखाने कामोशन की तो थोड़ा सा है, जो टॉप थ्री टीम है वो डेफिनेटली रेलीगेट होंगी बट ऐसा होता है यहां पर बॉटम की जो दो टीम है वो तो रेलीगेट होती है बट जो बॉटम की थर्ड प्लेस टीम है थर्ड प्लेस टीम के साथ प्ले ऑफ खेलती है टू लेगेड टाइज अब पूछोगे तुम लेग क्या होता है यार लेग मतलब होता है मैच ठीक है अगर एक सिंगल लेग्ड मैच है तो मतलब कि वो एक मैच होने वाला है एंड वो मोस्टली एक न्यूट्रल ग्राउंड पे होता है बट अगर कोई मैच है दैट इज टू लेग्ड मैच तो मतलब कि वो एक होम पे होगा एक अवे पे होगा उसको कहते हैं टू लेगेड टाई तो यहाँ पे जो थर्ड प्लेस टीम होती है बुंदेसलीग टू की जो सेकेंड डिविजन है उनका और जो बॉटम थर्ड टीम होती है टॉप बुंदस के लिए कि ये दोनों दो लगे टाइल्स खेलते हैं इनमें जो जीतता है वो प्रमोशन लेता है तो अब अगर जर्मनी की अलग अलग कॉम्पिटिशन के बारे में बात किया जाए तो बुंदिस लीगा की टाइटल के अलावा जो की लीग टाइटल है उसके अलावा यहाँ पे डी है एल सुपर कप होता है तो अब पोकल कप क्या है इसमें सिक्सटी टीम्स खेलती है जो कि थर्टी टीम तो बुंदस लीग की होगी बुंदसलीगा वन बुंदसलीगा टू एंड बाकी टीम जो होती है वो थर्ड टायर फोर्थ टायर की टीम्स खेलती हैं ठीक है लास्ट टाइम के विनर्स यहां पे बुरूसिया डॉटमुड रहे हैं एंड ऑल टाइम जो रिकॉर्ड रहा है इस ट्रॉफी का वो बान होल्ड करती है ट्रॉफी जीतती है उस टीम को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलता है इनटू द यूएफए यूरोपा लीग उसके बाद से जो डीएफएल सुपर कप होता है जिसके करंट होल्डर्स अभी हैं ये होते हैं जो जीतता है पोकल कप वर्सेस दी विनर ऑफ लीग तो मान के चलो अगर ये डबल हो गया डबल मतलब लीग भी जीत गई बान मुनिक और पोकल कप भी जीत गई बायमुनिक तब कौन सी टीम खेलेंगी तब वो रनर अप होती है अब सेकंड पे मान लो डॉटमुड आई है तो ये सुपर कप होगा डॉटमुड वर्सेज बान मुनिक में ठीक है तो ये मैच अभी होने वाला है एक्चुअली क्योंकि लास्ट टाइम के विनर पोकल कप के डॉटमुड रही है एंड लीग ट्रॉफी जीती है बान मुनिक तो अठारह अगस्त को यह मैच होने वाला है बायन वर्सेज डॉटमुड तो सब लोग देखना एंड इस लीग की एक थोड़ी स्पेशलिटी की बात करूं तो यहां पर सबसे ज्यादा

की टीम्स खेलती हैं यहां पर भी ठीक है और जो सुपर कोपा इटालिया होता है इसमें कि सीरिया के विनर वर्सेस कोपा इटालिया के विनर्स खेलते हैं तो अब इस लीग में खास क्या है ठीक है इस लीग में खास है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डेफिनेटली डेफिनेटलीस का प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बट सिर्फ उसके बारे में नहीं है यहां पर और भी प्लेयर्स हैं जैसे कि इंटर मिलान के लुकाकू लुतारो मार्तेनेस निको बरेला उसके बाद से डिब्बा एंड और भी जो अदर टीम्स हैं उनके भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि इस लीग में खेलते हैं ये लीग स्पेशलिटी मतलब इसलिए स्पेशल है बिकॉज ये काफी ज्यादा डिफेंसिव लीग है यहां पे डिफेंस को बहुत ज्यादा एक यू you नो know, दी जाती है वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव लीग्स कहते हैं इस इस लीग को उसके बाद से तुम देख सकते हो कि यहां पर रहा है बट अब मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा इंप्रूव होगा तो ये भी लीग आती है आपको सोनी टेन स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिल जाएगी एशिया में तुम वहां पर देख सकते हो नहीं तो डिस्कोर्ट ज्वाइन कर लो लीग हम प्रोवाइड कर देंगे ये लीग मेजरली बहुत ज्यादा फेमस हो गई जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियाल मोड्रिड से लालीगा से

फूर्ट है इनके इनके थ्रू बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स निकल के आए हैं लेन की भी जो टीम रही है उसके भी काफी बड़े बड़े प्लेयर्स निकल के आए हैं जो कि आजकल वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में खेल रहे हैं जैसे कि तुम देखो अंबापे थी ऑनरी खेला था फैबिनो जो कि काफी बड़ी बड़ी टीम्स में खेलते आ रहे हैं तो यहां के जो स्काउटिंग नेटवर्क है दैट इज ऑल्सो रियली गुड उसके बाद से अभी करेंटली अगर देखोगे ये लीग की मेजर फैन फॉलोइंग कहाँ से आती है नेमार और अंबापे की वजह से इनकी मेजर फैन फॉलोइंग आती है ठीक है सेम सिनारे यहाँ पे ट्वेंटी टीम्स खेलती हैं रेलीगेशन एंड प्रमोशन का सेम सिनारे होता

एच को हरा दिया है इस गेम में ठीक है तो ये हो गई टॉप फाइव लीग्स के बारे में बात भाई लोग एंड अब एक बात मुझे और करनी थी जो लोग यहां तक स्टिक करेंगे उनको आईएसएल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा इंडियन फुटबॉल की जो सबसे बेस्ट लीग है वो है आईएसएल इंडियन सुपर लीग कहते हैं ठीक है ट्वेंटी में ये स्टैब्लिश हुई ट्वेंटी फोर्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन सीजन का पहला सीजन रहा था यह इंडिया की बेस्ट लीग है एंड इसके होने से इंडिया में फुटबॉल का ग्रोथ फुटबॉल का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा है जैसे कि क्लब्स यहाँ पे ए के मोहन बगान एफ गोवा मुंबई सिटी ये काफी

जो सबसे लीग में सबसे टॉप पे आता है उसको यहाँ पे शील्ड दी जाती है ठीक है तो लीग विनर्स की शील्ड मिलती है जो टॉप फोर होते वो हैं वो प्ले खेलते हैं आई ट्रॉफी के लिए ठीक है और जो क्लब्स होते हैं जो लीग के शील्ड जीतते हैं जो लीग के विनर्स होते हैं उनको ए एफ चैंपियंस लीग में खेलने का मौका मिलता है एंड जो आई एस ट्रॉफी खेलते हैं वो ए कप में खेल पाते हैं तो गई ये है पूरा फॉर्मेट के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बट इतना है कि आपको लीग्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा एंड आप लीग्स अपनी चुन के देख सकते हो मैं तो कहूँगा यार कि तुम सारी लीग देखो पहले तुम्हें जो समझ में आए तुम उसको फॉलो करो तो बहुत डिटेल में आपको बताया था कि कोई भी एक चीज़ ना छूटे आप इस वीडियो को बुक करके सेव करके रख लो एंड उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि हमेशा ये कहते हैं यार मुझे फुटबॉल समझ में नहीं आता तो हमने फुटबॉल समझाने के लिए एक स्टेप लिया है यहां पे पे टॉक फुटबॉल फुटबॉल एंड आगे भी फुटबॉल वान वान में हम सीरीज लाते रहेंगे जहां पर हम रूल्स के बारे में बात करेंगे जहां पे हम मेजर टूर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इस वजह से मैं चैंपियंस लीग के बारे में बात नहीं करूंगा यूरोपियन कॉम्पिटिश होते हैं क्लब वर्ल्ड कप होता है किस तरीके से होता है उसके बारे में भी अगले वीडियो में बात करूंगा डेफिनेटली अगर आपको मजा आया तो प्लीज़ लाइक करना एंड में जाते जाते ये बताऊंगा मैं कि हमने जर्सी स्टोर लॉन्च किया है आप अगर फुटबॉल फैन हो तो डेफिनेटली यू नीड अ फुटबॉल जर्सी ऑफ योर फेवरेट क्लब लिंक इन डिस्क्रिप्शन हिट करो वहां पे हमारे पर हमारे वेबसाइट पर जाओ एंड गेट योर सेल्फ योर जर्सी ऑफ योर फेवरेट क्लब ठीक है तो ये हो गई लास्ट बात एंड जाते जाते एक और बात बोलूंगा मैं इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो वहां पे लेटेस्ट अपडेट्स हम फुटबॉल के लिए देते रहते हैं सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आल सी यू गाइस वेरी सून अंटिल देन एज ऑलवेज आउट